अरे बाबा, देखने में आसान है पर मेहनत है। अरे क्या बात है बोल्टू, इतना बढ़िया टी शर्ट पहना हुआ है, कोई खास उपहार लगता है। कैसा लग रहा है बता? मेरी मौसी ने दिल्ली से मेरे लिए भेजा है। ओह क्या किस्मत है तेरी। इसे ही कहते हैं किस्मत का कमाल। पर तुम्हारी मौसी अगर ये सब कपड़े खरीद के पैसे बर्बाद ना करके उसके बदले कुछ खाने के लिए पैसे देती तो? टी शर्ट के बदले पैसे? तो फिर अपनी तो कचौरी पार्टी हो जाती। हाँ हाँ, वो तो बढ़िया ही होता पेटू कहीं का। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ए, इसने तो तुम्हारे नए टी शर्ट का बिल्कुल 12 ही बजा दिया। बदतमीज कहीं का, बाथरूम में नहीं जा सकता। तुम कितना चिल्ला लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। चल बहुत हुआ, अब चल देख वहाँ एक नल है। हाँ चल, वही नल के जल से पंछी का मल धोता हूँ। ये देख बोल्टू, सचमुच हम कितने किस्मत वाले हैं। देख वो कैसे? देखो तुम्हारे पास एक नया टी शर्ट है और इस बेचारे के पास कपड़े ही नहीं है। देखो। हाँ सच में यार, बेचारे को बिना कपड़ों के कितनी तकलीफ होती होगी। तो फिर क्या करोगे? सोचा? सोचने का क्या है ब्रदर, जीव सेवा ही शिव सेवा है। शाबाश बोल्टू, क्या बात। इन सब दीन दुखी बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। चलो तो फिर वो तालाब के किनारे बैठकर सोचते हैं कि क्या करना होगा, समझे? चलो लेट्स गो। चोरी? ये गोपी थानेदार के रहते चोरी, वो भी मछली की चोरी। कभी नहीं, कभी नहीं। किसी भी चोर को बेफिक्र होके मछली चोरी करने में नहीं दूंगा। मेरा नाम है गोपी थानेदार, एक से बढ़कर एक मेरे पैंतरे। उस चोर के बच्चे को मारूंगा यहाँ और रेंगता दिखेगा तालाब के किनारे। अरे बाप रे, किस कमबख्त ने पत्थर मारकर सिर चकरा दिया रे। अरे बाप रे, लेकिन अब लगता है थोड़ा होश आया है। नहीं नहीं नहीं, और कसरत करके फायदा नहीं है, इससे अच्छा तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ता हूँ। ये जाल फेंका। अरे बाबा, देखने में आसान है पर मेहनत है। अरे मर गया, लगता है कोई आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, जल्दी से जाकर उस झाड़ के पीछे छुप जाता हूँ। ये देखो ये जगह थोड़ी खाली खाली सी है। तो फिर चल यहीं पर बैठ के क्या क्या करना होगा समझ लेते हैं। लेकिन मुंह के खालीपन से कुछ होगा क्या? पेट के अंदर से खाना खाने के लिए आवाज आ रही है। पेट पूजा नहीं, जीव पूजा के बारे में सोच। रुको, अभी मेरे दिमाग में चिकन फिश तंदूरी के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है, समझा? लेकिन मेरे जहन में तो आ गया है। क्या आ गया है? हम लोगों के घर से पुराने कपड़े इकट्ठा करके वो सब गरीब बच्चों में दान कर देंगे। व्हाट एन आइडिया, बहुत बढ़िया बोल्टू। कमबख्तों को गप्पे लड़ाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, चुन चुन कर मेरे निशाने पर। अरे रे रे, मेरे जाल के सामने ही बैठना था और बड़ी बड़ी मछलियाँ रोहू हिलसा पानी के अंदर तैर रही है, और इधर मैं झाड़ियों के पीछे बैठकर छटपटाया जा रहा हूँ। मन कर रहा है इन दोनों को अभी जाकर मार मार कर खाल उधेड़ दूँ। अरे बॉस, ये देख, ये क्या है बोल्टू? ये तो किसी जाल का किनारा लगता है। तो फिर चल। अरे एक बार खींचने पर इतने सारे। भगवान जब देता है चप्पड़ फाड़ के देता है। पकड़ लिया।
एकदम रंगे हाथों इन मुसीबतों को पकड़ लिया है। अब कौन किसको देखकर मरता है, मैं भी देखता हूँ। मैं भी हूँ गोपी, गोपी थानेदार। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? अरे मछली चोरी करके जुबान लड़ाते हो, चोर चोर कहीं के। हमें चोर मत कहिए, हमने बिल्कुल चोरी नहीं की। हम लोग तो यहाँ बैठकर वो तीन दुखी बच्चों को वस्त्र दान करने के लिए प्लान बना रहे थे। अरे बाबा, एकदम समाज सेवा करो करो, कान पकड़ कर अभी उठक बैठक करो कहता हूँ। विश्वास मानिए सर, जीव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सच कह रहे हैं, गरम मटन बिरयानी की कसम। हाँ हाँ, हम लोगों को छोड़ दीजिए सर। बोल रहे हो छोड़ दूँ? ठीक है तो फिर छोड़ ही दूंगा। आप तो सर दया के सागर हैं। लेकिन एक शर्त है। हाँ बोलिए। सच में अगर तुम लोगों का वस्त्र दान का कार्यक्रम होगा तो फिर मुख्य अतिथि के रूप में मतलब मेरा नाम जैसे सबसे पहले हो। बोलो मंजूर है? मंजूर। ओके ओके। तो फिर मैं अब चलता हूँ, आज तो घर जाके बढ़िया सी फिश करी खा लेता हूँ। मेरे सामने मेरे चोरी का माल लेकर चले गए, सब सब उन कमबख्त बच्चों की वजह से हुआ। इस बार मैं उनके सारे प्लान्स को चौपट कर दूंगा। वस्त्र वितरण के नाम पे कपड़े इकट्ठा करके वो सारे कपड़े हथिया लूंगा। मैं भी कालू सरदार हूँ। हाँ, गंदे पानी में कैसे मछली पकड़ते हैं इस बार मैं भी दिखाऊंगा। नट बोल्टू। सवेरे सवेरे ही काम निपटाना पड़ेगा। किसी को भी पता लगने से पहले सारा सामान साइड कर लेना पड़ेगा। इस बार मैंने भी एक ऐसी तरकीब सोची है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो थानेदार मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ओह, काम तो खत्म ही नहीं होता। हर बार सारे कपड़े बक्से से निकाल कर धूप में डालो, उसके बाद उनको अच्छी तरह से जमा लो, वरना इनके अंदर कीड़े लग जाएंगे और सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। ची 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 ची। राम राम राम, जैसा सोच रही थी वैसा ही हो गया। मेरी इतनी सुंदर साड़ी में छेद कर एकदम छल्ली बना दिया। ओह, मुझे मायके से मिली थी इतनी महंगी साड़ी। इसीलिए तो मैं कह रहा था ये पुराने कपड़े बक्से में ना रखकर मुझे दे दीजिए। अरे वाह, बताओ जरा क्यों दूं तुम्हें? पति के होते तो दे भी देती, ये तो मायके से मिले हैं। मन की खुशी से नहीं, मेरा मतलब गरीबों को वस्त्र दान करने से देखिएगा मन के अंदर खुशी के मारे लड्डू फूटेंगे। लड्डू फूटेंगे? बकवास करना बंद करो। मुझे टोपी पहनाना चाहते हो? ठीक है ठीक है, तो फिर थानेदार साहब के साथ बात करके ही वस्त्र दान कीजिएगा। वस्त्र दान तो उन्हीं का प्लान है। इनमें थानेदार पुलिस, इन लोगों का क्या काम? उन्होंने तो कहा गरीब दुखियों के दुख में आपका दिल कैसे बेचैन हो जाता है, मन कैसे परेशान हो जाता है और आपकी दोनों आंखें रोने लगती हैं। सच्ची में ऐसा क्या? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो फिर अब इन कपड़ों को ले जाकर उन्हें दान कर दो। बड़ा दान करने चला मैं, इनको आधे दाम में बेच कर अपना जेब गरम कर लूंगा मैं। चल चल, शुभ कार्य में देर नहीं करते। लेकिन सारे लोग क्या हमारा साथ देंगे? अरे नहीं भी देंगे तो भी हम लोगों को रोक नहीं सकते, समझे? रोक नहीं सकते। हाँ सही कहा, नहीं सकते नहीं सकते, हमें रोक नहीं सकते। वही तो, सामने मित्र आंटी का घर है, चल वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन मामला थोड़ा रिस्की नहीं हो रहा है? अरे भाई, नो रिस्क नो गेम, बड़े बुजुर्ग क्या के गए, किसी एक महापुरुष ने कहा था, चल चल। लेकिन मुझे तो लग रहा है यहाँ पे सिर्फ रिस्क है। और
अरे नट और बोल्टू, तुम दोनों यहाँ पर चक्कर क्यों काट रहे हो? हम लोग वस्त्र वितरण के लिए वस्त्र मांगने आए हैं। हाँ, मतलब जो सारे वस्त्र ऐसे ही पड़े रहते हैं। मेरे साथ मजाक हो रहा है? मामला गड़बड़ लगता है बोल्टू। अभी अभी थानेदार का आदमी आकर कपड़े ले गया, अब तुम लोग मुझे एक ही कहानी सुना रहे हो। निकलो निकलो यहाँ से। नट, लगता है बीच में कुछ गड़बड़ है, चल निकल लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, जाते हैं। पहली जगह ही फेल हो गए। चल वो कराली दादाजी के घर जाते हैं तो सब एकदम वंडरफुल हो जाएगा। चल चल ट्राई करते हैं चल। दादाजी, ओ दादाजी, दादाजी कह रहा था कि गुस्सा मत करना, गरीब लोगों के लिए वस्त्र वितरण करेंगे। दीजिए, आपके स्टॉक में जो भी है वहाँ से कुछ निकाल कर हमें दे दीजिए। तुम लोग भी वस्त्र वितरण करोगे? थोड़ी देर पहले ही तो एक आदमी आके सब लेके गया। तुम लोग भी मतलब? दादाजी हम ही ओरिजिनल हैं। लेकिन उसने तो कहा कि वो थानेदार का आदमी है। मामला क्या है बोल्टू, फिर से वही बात हो गई? वही तो, अच्छी मुसीबत में फंस गए। तो क्या थानेदार साहब ने अपने कंधों पर सारा भार ले लिया? चल तो फिर सामने से कुछ और घरों में ट्राई करते हैं। बोल्टू, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। चलो इससे अच्छा हम एक बार थाने में जाकर थानेदार साहब से मामला क्या है समझ के आते हैं। तू जितना सोच रहा है उतनी भी बेकार किस्मत नहीं है हमारी। क्या कह रहे हो? ये देख, एकदम 500 के कड़क नोट। लगता है हमारा ही इंतजार कर रहा है। तो फिर देरी ना करते हुए झटपट उसको उठा के पॉकेट में डाल ले। नेकी और पूछ पूछ। बस अब चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में घुसकर अच्छे से पेट पूजा करते हैं। चल चल। वो वस्त्र वितरण का मामला अगर ठीक ठाक से संभाल लूं तो फिर और कोई बात नहीं है, मेरा प्रमोशन एकदम पक्का। मैं तो अभी से ही देख पा रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने लगा हुआ वो एक सुंदर सा पोस्टर, गरीबों के लिए वस्त्र वितरण उद्योगता और आयोजन में शांति रक्षक तथा प्रख्यात समाज सेवक गोपी थानेदार। ओ बाबा, सोचने पर ही मन के अंदर लट्टू फूट रहे हैं। आई गाड़ी ठुक गई। लोगों में कपड़े दान करते करते क्या आपने अपनी आंखें भी दान कर दी? मेरे फूल जैसे पैरों को तो कुचल ही डाला था आपने। मतलब दिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो तो ठीक है, पर कपड़े दान करने का प्रोग्राम वो कैसा रहा? मैंने तो आपकी बात मानकर दिल खोल कर दान कर दिए। जो भी हो, लोग मतलब ऑलरेडी हमारे नाम से परिचित हो गए हैं। हम आपके साथ हैं थानेदार साहब, खुद के वस्त्र दान करके मैंने भी आपसे हाथ मिलाया है। मुझे तो खुद ही खुद की शाबाशी करने का मन कर रहा है। चलाते रहो गोपी। नहीं 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 नहीं, अभी उन दोनों बच्चों को नट बोल्टू को अभी ढूंढ के निकालना पड़ेगा। लगता है बच्चों की सबसे बनती है। नट बोल्टू, नट बोल्टू, नट बोल्टू, नट बोल्टू।
बटर नान, मटन दो प्यासा और उसके बाद चिकन रेशमी कबाब। ओह क्या बात, पेट भर के जब खाया है उसी तरह दिल खोलकर बिल के पैसे भी चुका दो। अरे अरे अरे, ये बच्चे दोनों तो अच्छा खासा खाना खा के रेस्टोरेंट का बिल भी चुका रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ता है दाल में जरूर कुछ काला है। आए आए आए, कहाँ जा रहे हो? पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो? मुझसे छुप के जाओगे कहाँ? नहीं मतलब वो खाना थोड़ा सा हैवी हो गया लगता है। वो तो ठीक है, लेकिन काम कितना आगे तक बढ़ा? मतलब सुबह से कितने कपड़े इकट्ठा किए? एक भी नहीं। मतलब? मतलब और क्या, हमारे जाने से पहले ही तो आपके आदमी ने जाकर सबके कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं। है? मेरा आदमी? हाँ, सब तो वही कह रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद भी हैवी बिल भरने के पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी आँखों से देखा, तुम लोगों ने गिन गिन के 400 रुपए दिए। ओह, वो पैसे तो रास्ते में मिले थे। वो तो ऐसे ही मिल गए। सब समझ आ गया, खेल खिलाता हूँ, तुम लोगों को खिलाता हूँ वस्त्र वितरण के नाम पे कपड़े जमा करके वो सब बेच दिए, और उसके बाद उसी पैसों से पेट पूजा हो रही है। सब एकदम ठीक ठीक से समझ गया। अरे मर गए, ये तो उल्टा ही फंसा रहे हैं। चलो 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 चलो, शुरू करो। अभी कान पकड़ के 500 बार उठक बैठक करो। 500 बार? मैं तब तक एग रोल और चिकन सैंडविच से हल्का सा नाश्ता कर लेता हूँ। इसका भी तो सही उपयोग करना पड़ेगा। सब खा लिया। चिंता मत कर यार, मैं इस अपमान का बदला लेकर ही रहूँगा। और उस थानेदार को भी सही सबक सिखाएंगे। जो मर्जी वो लो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए खरीदो और पहनो, बढ़िया लगेगा। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए बोल्टू, ये कैसे हुआ? अरे अरे, वही तो कानू सरदार पुराने कपड़े बेच रहा है। लेकिन लेकिन उसको ये सब मिला कहाँ से? लगता है मैंने केस सॉल्व कर दिया है। तो फिर बोल, मामला क्या है, बोलो। वो कानू बदमाश जरूर तालाब के किनारे छुप कर हमारी सारी बातें सुन ली, और मुझे यकीन है वो जाल भी उसी का था। जियो बॉस, अरे तेरा जवाब नहीं। लेकिन हमें अभी पूरा पता लगाना होगा कि इनके पीछे उसी का दिमाग है। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, और इस प्लान से पता चल जाएगा कि वो ही असली गुनहगार है कि नहीं। तो फिर चाल चल ही दे। एकदम नए कपड़ों का जुगाड़ किया है, और उन सबको मैंने एक जगह पर स्टॉक करके रखा है, समझा? तू जल्दी से घर जाकर एक बैग लेकर आ, तब तक मैं उन कपड़ों को तय करके रखता हूँ। ओके ब्रदर। तुम लोग जितना भी दूध पकाओ, खीर तो मैं ही खाऊंगा। वो सारे जमा कपड़े लेकर मैं ही निकल लूंगा। वो रहा मित्र आंटी का कुत्ता, बैठकर मक्खी मार रहा है। खाने का लालच देकर इसे तुरंत ही पास लेता हूँ। आजा आजा आजा, आ, 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 ये ले ये ले। एकदम झट से पकड़ लिया, अब होगा ऑपरेशन कानू। अरे वो रहा वो रहा वो रहा, लगता है उस झोले के अंदर सब भरा हुआ है। देखता हूँ उस झोले के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। Thank you.
बापरे बापरे बापरे, अरे मर गया रे, छोड़ दे छोड़ दे, अरे पीछा छोड़ दे छोड़ दे, मुझे बचा रे बचा रे बचा। गुस्से के मारे मेरा खून जल रहा है। क्यों? इतने मुश्किल से सारे कपड़े इकट्ठे किए और वितरणकर्ता के नाम पर उस मोटे थानेदार का नाम देना पड़ रहा है। वो छोड़ो, वो रेस्टोरेंट का अपमान भी, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। वो देख, थानेदार आ रहा है। वाह 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 वा। सब कुछ बिल्कुल तैयार ही रखा है। नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी मत करो, सबको मिलेगा। बारी बारी से आओ, बारी बारी से। तो दत्त कैसे फोकट में समाज सेवा कर रहा है, देखो। चिंता मत कर, कुछ ही देर में उसकी सेवा करने के लिए लोग ढूंढने पड़ेंगे, बस देखता जा। समझ गया, बस बस बाकी का काम मैं कर दे रहा हूँ ब्रदर। भागो भागो, अरे रे बचाओ। नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, जब हम लोग हैं तब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को और खाली हाथ लौटने की जरूरत नहीं। देखो देखो, कहा था ना, लड़का तुम्हारा नाम रोशन करेगा। हाँ, सच में उसने जो भी कहा था वो करके दिखाया, बिल्कुल मेरे पे गया है। शाबाश बेटा, वेल डन वेल डन।